ये वाली है इमेज, हम इसको देंगे और लेट्स सी कि ये क्या जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट किया इमेंस स्मोकिंग ए सिगरेट इन फ्रंट ऑफ ए फायर हाइड्रेंट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक प्री ट्रेंड मॉडल का यूज करके हम इमेज से टेक्स्ट जनरेटर बनाएंगे। सो बेसिकली इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, हम एक कोई रैंडम इमेज अपने मॉडल को देंगे और वो हमें एनालाइज करके बताएगा कि उस इमेज के अंदर बेसिकली है क्या। ठीक है, इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं टेक्स्ट से इमेज जनरेट करने की, जिसमें हमने बेसिकली टेक्स्ट दिया था और उससे इमेज जनरेट करी थी, और ऐसी ही एक सिमिलर और एक्सरसाइज करी थी जिसमें हमने टेक्स्ट दिया था मॉडल को और उससे हमने वीडियो जनरेट करी थी। आज की वीडियो में हम इसका उल्टा करने वाले हैं, इमेज टू टेक्स्ट जनरेटर। और ये आज की एक्सरसाइज के लिए भी मैं हगिंग फेस का जो है, हगिंग फेस के ऊपर जो एक मॉडल जो प्री ट्रेंड मॉडल होस्टेड है उसका यूज करने वाला हूँ। सो आप हगिंग फेस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और इस मॉडल का नाम है VIT GPT-2 इमेज कैप्शनिंग। सो बेसिकली हम इमेज कैप्शनिंग का जो है एक जो एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड के वॉक थ्रू करवाऊंगा और फिर मैं आपको जो है डेमो दूंगा कि बेसिकली ये कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले प्लेन लैंग्वेज में, जैसे हम किसी भी चीज को किसी भी लैंग्वेज में हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली किसी लाइब्रेरी या किसी पर्टिकुलर क्लास को, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें बेसिकली इसमें चाहिए विजन एनकोडर डिकोडर मॉडल और VIT इमेज प्रोसेसर और ऑटो टोकनाइजर। सो बेसिकली ऑटो टोकनाइजर क्या होता है कि इमेज को जब वो एनालाइज कर लेगा फिर वो टेक्स्ट जनरेट करेगा, टेक्स्ट को हमेशा वो टोकन्स की फॉर्म में जनरेट करता है। ऐसे ही बाकी की जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी यहाँ पे मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं जो मेरा मॉडल है उसको लोड करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ये विजन एनकोडर डिकोडर मॉडल डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड और यहाँ पे मॉडल का नेम जाएगा विच इज दिस वन। आप इस पेज के ऊपर जाके ये वाला नेम उठा सकते हैं क्योंकि मैं ये वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद VIT एक इमेज प्रोसेसर होता है। एक दो बेसिकली दो चीजें हैं इसमें, एक है आपका इमेज प्रोसेसर, दूसरा एनकोडर डिकोडर। तो हमने दोनों बता दिए कि हम इमेज कैप्शनिंग बेसिकली इसके लिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं और फीचर एक्सट्रैक्शन करने के लिए, और बेसिकली जो है एनकोडर डिकोडर के लिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड, यहाँ पे हम ऑटो टोकनाइजर में ये वाला पास कर रहे हैं। सो बेसिकली तीनों में सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से तीन ऑब्जेक्ट मिलेंगे, मॉडल, फीचर और टोकनाइजर। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ थिंग कि कोई चीज पहले से बनी हुई रखी है, उसको आपने जस्ट इम्पोर्ट कर लिया और आप उसको अब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट बन गए हैं और यहाँ पे एक सिंपल एक ये चीज ये है कि बेसिकली क्योंकि ये GPU बेस्ड मॉडल होते हैं तो यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है कि अगर डिवाइस में कूडा है, कूडा बेसिकली कार्ड होता है, GPU कार्ड होता है, तो यहाँ पे बेसिकली वो इफ कंडीशन है कि अगर कूडा है तो उसको यूज कीजिए, अदरवाइज कूडा नहीं है तो आप CPU को यूज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये चलाने के बाद जस्ट लाइक हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, कुछ एक जो पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं, मैक्सिमम लेंथ, नंबर ऑफ बीम्स एंड जनरल आर्गुमेंट्स, तो हम उनकी कुछ वैल्यूज हम अपनी साइड से अकॉर्डिंग टू अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम उनकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन कर दी, उनको इनिशियलाइज करवा दिया, दैट्स इट। उसके बाद ये जो है प्रेडिक्ट स्टेप है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इमेज का पाथ देंगे क्योंकि इनपुट हमारी इमेज है और आउटपुट हमारी टेक्स्ट होगी, बेसिकली उस इमेज का कैप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज का पाथ दूंगा और बेसिकली यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस के पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हर इमेज के पाथ के लिए वो यहाँ से अपेंड करता है, रीड करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, और फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेसिकली क्या होता है कि इमेज को रीड करके उनको पिक्सल वैल्यू जनरेट कर देता है फीचर एक्सट्रैक्टर, और फिर वो जो आपकी इमेज जो है पिक्सल वैल्यूज यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में जाती है और जो कि आपके मॉडल के पास चली जाएगी ये वैल्यू, पिक्सल वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ से फिर मॉडल जो है जनरेट करता है उन पिक्सल वैल्यूज को यूज करके, मॉडल आपके लिए एक कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, ये वैल्यूज भी आपकी जो है पिक्सल्स में ही होंगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली आउटपुट कुछ हाइट कुछ वैल्यूज जनरेट करेगी, बेसिकली बोलने का मतलब यहाँ पे भी
कुछ नंबर्स ही जनरेट होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो नंबर्स हैं इनका यूज करके वो टेक्स्ट जनरेट करता है। यहाँ पे जहाँ जो मैंने बताया कि टोकनाइजर बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्लेन लैंग्वेज में ये है कि आप उसको जो फीचर एक्सट्रैक्टर वाले ने मॉडल को वैल्यूज दी, मॉडल ने फिर कुछ वैल्यूज जनरेट करी, उन वैल्यूज को रीड करके बेसिकली जो है टोकनाइजर उसके लिए प्रेडिक्शन जनरेट करता है और फिर हम उस प्रेडिक्शन को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं बेसिकली इसका डेमो। डेमो में हम ट्राई करते हैं कि बेसिकली ये कैसे रिजल्ट्स जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली मैं ये तीन या चार इमेजेस को ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले ये ओल्ड मैन स्मोकिंग, मैं अगर आपको अपनी लोकल पे दिखाऊं, ये एक मैंने ओल्ड मैन स्मोकिंग की एक इमेज है, ये पहले आपको ये एक इमेज दिखा देता हूँ। ये वाली यहाँ इमेज हम इसको देंगे और लेट्स सी कि ये क्या जनरेट करता है, ठीक है। और ये वाली इमेज बेसिकली मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे जो है पोस्ट कर दिए, क्योंकि मैं ये मेरा गूगल कोलैब जो है मेरी ड्राइव से कनेक्टेड है। सो ये ओल्ड मैन स्मोकिंग जो कि मैंने जस्ट आपको इमेज दिखाई वो ये वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको ये इमेज मॉडल को देता हूँ तो लेट्स सी कि मॉडल क्या जनरेट। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसने जनरेट किया ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट इन फ्रंट ऑफ ए फायर हाइड्रेंट। इसमें बेसिकली अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, मैन है स्मोकिंग है बट इसमें फायर हाइड्रेंट नहीं है, तो थोड़ा सा जो है इसकी जो प्रेडिक्शन जो है इस केस में पर्टिकुलरली गलत है। अच्छा दूसरी एक और इमेज देता हूँ मैं, जैसे हॉर्स राइडिंग की इमेज है। बेसिकली हॉर्स राइडिंग में जैसे मैं अगर ये वाली भी इमेज आपको दिखा देता हूँ, हॉर्स राइडिंग हॉर्स, इसमें बेसिकली क्या है कि कोई एक यंग पर्सन इज राइडिंग अ हॉर्स। तो मैं अगर ये इमेज जो है मॉडल को दूंगा तो मॉडल क्या बताता है। सो लेट्स सी इसका रिजल्ट्स देते हैं, देखते हैं। इसका मैं पाथ दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉपी पाथ करूंगा। कॉपी पाथ करने के बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ से इसका पाथ दे देना और फिर मैं इसको जो है रन कर दूंगा और फिर ये मेरे लिए रिजल्ट जनरेट कर देगा। इसमें आप देख सकते हैं अ वुमन राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द ब्राउन हॉर्स। सो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही इसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, एक वुमेन है और ब्राउन हॉर्स, ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैकिश व्हाइट ब्लैकिश टाइप का हॉर्स है और उसको राइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक और जैसे अगर कोई डिफरेंट अगर हम ट्राई करें, ये है प्लेन फ्लाइंग ऑन अर्थ एटमोस्फियर। सो बेसिकली वो ये वाली इमेज है कि जैसे एक आपका कोई प्लेन जो फ्लाई कर रहा है, मैं ये इमेज जो है मॉडल को देता हूँ और लेट्स सी कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है और क्या जनरेट करता है। आप इसमें देख सकते हैं इसने प्रेडिक्ट किया अ लार्ज जेट लाइनर फ्लाइंग थ्रू अ ब्लू स्काई, विच इज फेयरली करेक्ट, विच इज फेयरली फेयरली करेक्ट प्रेडिक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इसमें आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, और ये कोड मेरा मेरी गिटहब रेपो के ऊपर होस्टेड है, मैं उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। सो बेसिकली नटशेल में जिस्ट क्या है इस वीडियो में कि आप जो है इन मॉडल्स को प्लग एंड प्ले टाइप से यूज कर सकते हैं। इट जस्ट कि लेट्स से आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ लर्निंग पर्पज के लिए है, तो आप उनको बेसिकली आप जो है उनको जस्ट गो देयर एंड यूज इट एंड यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।